एक भीड़ आगे बढ़ती जा रही है, भीड़ नारेबाजी भी कर रही है, भीड़ उग्र भी है। पुलिस चेतावनी देती है लेकिन लोग रुकते नहीं हैं। पुलिस पहले चेतावनी जारी करती है और फिर भीड़ पर पानी की बौछार करती है। ये वाटर कैनन है। वाटर कैनन से भीड़ पर पानी की बौछार की जाती है और फिर पुलिस हल्का बल प्रयोग करती है। भीड़ नहीं मानती तो पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। भीड़ तितर बितर हो जाती है। हालांकि लाठीचार्ज की वजह से कुछ लोग घायल हो चुके हैं। मौके पर तुरंत मेडिकल टीम पहुंच जाती है। मेडिकल टीम पुलिस के जवानों की सहायता से लाठीचार्ज और हंगामे में घायल लोगों को उठाती है और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज देती है। दरअसल ये नज़ारा किसी दंगा प्रभावित इलाके का नहीं बल्कि रांची पुलिस के मॉक ड्रिल का है। दरअसल 9 अगस्त को मुहर्रम है। मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस शहर के कई इलाकों से होकर गुजरेगा। सावन का महीना भी चल रहा है। ऐसे मौके पर शांति भंग होने की आशंका रहती है। यदि किसी प्रकार की स्थिति पैदा हुई तो उससे कैसे निपटना है? रांची पुलिस ने रविवार को अपनी तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया। SSP किशोर कौशल ने खुद पूरे मॉक ड्रिल का नेतृत्व किया और निगरानी भी की। मॉक ड्रिल में कई थानों के पुलिस जवान भी शामिल हुए। SSP ने इस दौरान जवानों को जरूरी निर्देश भी दिए और लोगों से भी शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की अपील की। त्यौहार हैं, दो दिनों के अंदर पूरे रांची जिले में विभिन्न इलाकों में जो है बड़े स्तर पर इसका आयोजन होता है। उसको ध्यान में रखते हुए कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आयोजन संपन्न हो सके, उसको लेकर हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी पुलिसकर्मीगण को नियुक्त किए जा रहे हैं। लेकिन एक मॉक ड्रिल का हम लोगों ने यहाँ पर एक अभ्यास किया है अभी, जिससे कि जो हमारी फोर्सेस हैं वो मुस्तैद हैं, सेंसिटाइज रहें कि किस प्रकार से हमें बल का प्रयोग करना है। न्यूनतम बल का प्रयोग किया जाए, पहले लोगों को ससमय चेतावनी दी जाए, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर हल्के बल का प्रयोग या अनुपातिक रूप से उसी तरीके से उसको अगर पढ़ाने की आवश्यकता होती है तो किया जाए। तो किसी भी तरीके से अनावश्यक बल का प्रयोग ना हो और जो एक प्रोटोकॉल बना हुआ है उसका अनुपालन करते हुए हम लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखें, यही रांची पुलिस का प्रयास है। किस तरह के कॉमन से ले एक जो एक सामान्य प्रोटोकॉल है कि जब भी इस प्रकार का अगर कोई नाजायज मजमा लगता है तो उसको जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके द्वारा पूर्व में चेतावनी दी जाती है कि वो अपने स्थान से हट जाएं, क्योंकि उससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके पश्चात हमारे पास लाठी बल रहता है और टीयर गैस पार्टी भी हमारे साथ में रहती है और रबर बुलेट्स भी हम लोग अपने साथ में रबर बुलेट की भी पार्टीज रखते हैं और उसके पश्चात अंतिम विकल्प के रूप में सशस्त्र बल भी रहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी मुकम्मल व्यवस्था की आवश्यकता होती है विधि व्यवस्था के संधारण के लिए वो संसाधन रांची पुलिस के पास उपलब्ध हैं और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल के जरिए TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.TheFollowUp.in.